जेएनयू वाले एंटी नेशनल भैया याद है? जेएनयू वाले कन्हैया कुमार जी, सो कॉल्ड एंटी नेशनल कन्हैया कुमार के ऊपर आज चार्जशीट दायर कर दिया गया है और ये चार्जशीट बहुत दिनों बाद हुआ है। इस पर राजनीति तो होनी ही है क्योंकि ऐसे भी कन्हैया कुमार को एक छात्र से, एक छात्र नेता इस राजनीति ही ने तो बनाया है। कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कल भी एक विवादित बयान दिया था, पाकिस्तानियों को गिरिराज सिंह का मौसा बता दिया था, बहुत सारी बातें हुई थी और बेगूसराय में गिरिराज सिंह का भी लड़ना लगभग लग रहा तय है। तो आने वाले समय में बहुत कुछ होगा बेगूसराय में। बयानों का जो स्तर है वो लगातार गिरता जाएगा, राष्ट्रवाद से शुरू होकर एंटी राष्ट्रवाद तक चला जाएगा मामला। मगर ये आज की हमारी चर्चा नहीं है। आज की हमारी चर्चा का विषय ये है कि CPI ने 6 सीटें मांगी थी महागठबंधन में, इन 6 सीटों पर तेजस्वी राजी नहीं हुए थे, मामला रुक गया था। CPI महागठबंधन के सारे कार्यक्रमों से थोड़ी दूरी बनाकर रखे हुए हैं। हालांकि CPI के कई नेता लालू यादव के संपर्क में हैं, तेजस्वी के संपर्क में हैं, लगातार तेजस्वी के साथ अलग अलग मंचों पर दिखते हैं मगर साझा मंच पर नहीं दिखते हैं। और ये साझा मंच पर इसलिए भी नहीं दिखते हैं क्योंकि सीट उन्होंने जितनी मांगी है उतनी अभी तक हामी नहीं भरी गई है। 6 सीटें बहुत ज़्यादा हैं CPI के लिए, सभी जानते हैं, मगर 6 सीटों तक बात पहुंची कैसे? ये इसलिए बात पहुंची क्योंकि कन्हैया का चेहरा बहुत बड़ा है। अगर कन्हैया का चेहरा महागठबंधन में आ जाता है तो महागठबंधन को कम से कम 20% तो एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है, ये साफ है। अब आते हैं, बात करते हैं चार्जशीट के बारे में। कन्हैया को चार्जशीट पर सबसे पहली प्रतिक्रिया कन्हैया ने खुद दी, उन्होंने बधाई दिया मोदी जी को और इस देश के न्यायालयों को कि वो ऐसा करें और जल्दी से जल्दी स्पीड ट्रायल करके इस मामले का खुलासा करें और दूध का दूध पानी पानी कर दें ताकि जो भी कन्फ्यूज़न हो उनकी इमेज को लेकर लोगों को, सो कॉल्ड एंटी नेशनल जो कहा जाता है उनको, ये ठप्पा उनके माथे से परमानेंटली हट जाए और भाजपा को बना बनाया एक मुद्दा ना मिल जाए चुनाव में। अब बात करते हैं इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव के रिएक्शन की। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने पहली बार, शायद मुझे लगता है ऑन रिकॉर्ड पहली बार, कन्हैया को एज ए लीडर एड्रेस किया है, एडमायर किया है और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि कन्हैया कुमार के खिलाफ जो भी बातें खुलकर आई थी सामने, जिसमें उन्हें लगातार साफ साबित किया गया है, अगर चार्जशीट दायर किया गया है तो ठीक है मगर मुझे सरकार की मंशा पर शक है। ऐसे चुनाव के वक्त में इस तरह से ये चीज़ें सामने क्यों आने लगी हैं? इतना ही नहीं, उन्होंने भी कहा कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और कन्हैया एक अच्छे नेता हैं, अच्छे छात्र नेता हैं, युवाओं की बात करते हैं, ऐसे में उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये जो भाजपा की सरकार है ये लगातार लोगों को राष्ट्रवाद के चपेटे में लेना चाहिए, वो भी फर्जी राष्ट्रवाद, और कहीं ना कहीं ये फर्जी राष्ट्रवाद बेचने के चक्कर में जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपा जाता है और यही थोपना गलत है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में साफ साफ लिखा है कि उनको कन्हैया से कोई तकलीफ नहीं है, कन्हैया से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कन्हैया की अपनी राजनीति है, अपनी विचारधारा है, वो एंटी नेशनल नहीं है और अगर वो कुछ भी गलत किए हैं तो इस चार्जशीट के माध्यम से स्पीडी ट्रायल हो जाए और आने वाले समय में जल्दी से जल्दी साबित हो जाए कि कन्हैया कुमार ने क्या गलती की है या फिर नहीं की है। अब मामला यहीं नहीं रुकता है। आज अगर तेजस्वी यादव ऐसा कहते हैं कि CPI के कन्हैया कुमार को वकालत कर रहे हैं उनकी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि CPI की जो सीटें हैं, जो समीकरण महागठबंधन का है, इसमें CPI को लेकर थोड़े अस्वस्थ वो भी होंगे। कांग्रेस ऑलरेडी इस महागठबंधन से कभी भी बाहर जाने की स्थिति में बनी हुई है। अगर हम बात करें तेजस्वी यादव के UP जाने की और UP में जिस तरह का समीकरण बनाकर वो आए हैं, जिस तरह की बधाई देकर आए हैं, तो कांग्रेस को बुरा तो लगा है। हालांकि आज चूड़ा दही में सभी कोई साथ में थे मगर मन में खटास थी, वो दही जो खा रहे थे कहीं ना कहीं मीठा नहीं खट्टा लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि सबके दिमाग में सीटों का समीकरण चल रहा था, सभी को पता था कि कहीं ना कहीं से मेरी सीटें कट रही हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे कि अगर कांग्रेस जाए तो वो CPI को लेकर जाए। कांग्रेस चाहेगी कि वो महागठबंधन में रह जाए मगर स्थितियां अगर बनती हैं तो कांग्रेस ने पहले ही बयान दे दिया है कि हम 40 सीट पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे में RJD के लिए सबसे जरूरी हो जाता है इन छोटे घटक दलों को जोड़कर रखना और ये जो बयान है इसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं आज ये बयान देकर साबित किया है कि CPI को वो छोड़ने की स्थिति में नहीं है, CPI को सीटें मिलेंगी। अब 6 सीटें मिलती हैं, कितनी सीटें मिलती है आने वाले समय में समझ में आएगा। फिलहाल खबरों के माध्यम से न्यूज़ बिहार पर लगातार खबरें चलती रहेंगी, आप देखते रहिए खबरें और
अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो वो जरूर नीचे कमेंट्स में दीजिए, ताकि हम अपने आप को सुधार सकें, हम अपनी खबरों को सुधार सकें और ज़्यादा खबरें आप तक लेकर पहुँच सकें। फिलहाल मुझे दीजिए धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।